आपका टीवी न्यूज में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस लीडरशिप हमेशा से ही हिंदू विरोधी मानसिकता की रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कभी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कभी अपने केक पर हनुमान जी की फोटो लगवा कर उसी केक को काटते हैं, आखिर ये कैसी आस्था है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े सवाल भी उठाए हैं। आइए वीडियो में देखते हैं कि आखिर वीडी शर्मा ने और क्या क्या कहा। ये जो लोग हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस का, कांग्रेस की लीडरशिप का, चाहे देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग, धर्म विरोधी मानसिकता के लोग। क्या कमलनाथ जी को दिखाई नहीं देता कि जिन्होंने मंदिर बना करके हनुमान जी की मूर्ति लगा करके उसको आप काट रहे हैं? आप एक धर्म पर, आस्था के केंद्र पर, आस्था के बिंदु पर आक्रमण किया है आपने, और इसका जवाब कमलनाथ को देना चाहिए इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और इसलिए मैं कहना नहीं चाहता पुरानी चीजों के इतिहास में कि इनके चरित्र क्या है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये जो झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग धर्म के नाम पर भी केवल स्वार्थ के लिए हनुमान जी की एक ओर आप पूजा करने का प्रयास करते हैं दिखावा करने के लिए, और दूसरी ओर अपने जन्मदिन पर केक के रूप में हनुमान जी को काटते हैं, ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको इसका जवाब दे, कांग्रेस क्या कहेगी इसके अंदर? कांग्रेस जवाब दे रहे इस बात का, क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? कांग्रेस यही करती आई है? तो इसलिए कांग्रेस को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस बात का जवाब देना चाहिए कि हनुमान जी के बने हुए चित्र और मंदिर को केक के रूप में बनाया जाता है और उसको काटा जाता है। आपका हिंदू धर्म पर आक्रमण है, आप झूठ बोल करके इस प्रकार के नौटंकी और ये सब करके आप दिखावा करते, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब कमलनाथ जी आपको जरूर। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज से।